नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके सिंह और आज हम एक बहुत ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है चुनाव पे चर्चा। आज की इस चर्चा के दौरान जो कुछ बातें मैं आपसे करूंगा, वो कोई कही सुनी बातें नहीं हैं, बल्कि वो बातें मैं आपसे कहूंगा जो मैंने अपनी आँखों से देखी, जो मैंने अपने कानों से सुनी और जो मैंने स्वयं भी महसूस की। आज की इस वीडियो में हम उन लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे जो चुनाव के दौरान किसी कारण से हार गए, किनारे पर हार गए, बहुत दुखी हैं, चेहरा उदास है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो आज की इस चर्चा के दौरान ऐसे लोगों को मोटिवेट करके हम उनके दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे, उनके चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए और 2 और 3 मई को उनके परिणाम आए। मैं स्वयं भी एक काउंटिंग प्लेस पर मतगणना स्थल पर मौजूद था। इस दौरान मैंने कई लोगों को जीतते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को हारते हुए देखा, लेकिन हारने वाले कुछ लोगों का व्यवहार बड़ा अजीब सा था। जैसे उनको पता चला कि वो चुनाव हार गए तो वो तो गम में डूब गए, बहुत दुखी हो गए, मानो डिप्रेशन में चले गए हों, और कुछ लोग तो रोने लगे। हद है यार, अरे रो क्यों रहे हो, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, चुनाव लड़े थे, हार गए, इसमें बड़ी बात क्या है। रोया तो तब जाता है जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाए या फिर कोई बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना हो जाए, दिल को दहला देने वाली घटना हो जाए, तो चलो ठीक है भाई, आदमी रो सकता है, लेकिन चुनाव में हारने जैसी बात के लिए रोना, ये तो कोई शोभा नहीं देता। और वैसे भी तुम तो योद्धा हो, आम आदमी थोड़ी हो, योद्धा हो, तुमने हिम्मत दिखाई है चुनाव लड़ने की। और याद रखना कि इतिहास 2 तरह के लोगों को जगह देता है, एक तो हारने वालों को और एक जीतने वालों को। तो आप भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन फिर भी आपका एक वजूद है। और पता है, एक बड़ा मशहूर शेर है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, और वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कम से कम जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं दिखा सकते, उनसे तो बेहतर हो आज आप, कई गुना बेहतर हो। ज़रा सोचो, जब आप चुनाव नहीं लड़े थे तब आपको कितने लोग जानते थे, जब आप चुनाव नहीं लड़े थे तब जो सोसाइटी के अंदर आपकी इज्जत थी, आप भले ही चुनाव हार गए हो, आज भी आपकी इज्जत पहले से कम नहीं हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं वो बढ़ी है। और गांव में देहात में कहावत है कि मरा हाथी बिटोड़े के बराबर होता है। इसलिए ये रोना धोना, टेंशन लेना, परेशान होना छोड़ो, और जो कुछ मैं बताऊंगा आपको, जो कुछ सजेशन दूंगा, उन सजेशन पे आप काम करो, आने वाले समय में निश्चित रूप से आप ही विजेता बनोगे। यार, ये चुनाव है, कोई कुंभ का मेला थोड़ी है जो 12 साल बाद आएगा, फिर 5 साल बाद चुनाव आएगा। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, और ऐसा करना निश्चित रूप से आपको अगले 5 साल में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले तो ये करो कि भगवान का धन्यवाद अदा करो, जनता का धन्यवाद अदा करो, और एक कॉपी और पेन ले लो। इस चुनाव के दौरान आपने जो जो कमियां की उनको उसमें नोट डाउन कर लो, शांति के साथ बैठ के सोचो, दुखी मन से मत सोचना, बिल्कुल शांति के साथ बैठ के सोचना कि इस चुनाव में हमें कौन कौन से काम थे जो हमने नहीं किए और हमें करने चाहिए थे, और वो कौन कौन से काम थे जो हमने किए और हमें नहीं करने चाहिए थे। इस तरह से अपनी कमियों का, अपने जो मिसमैनेजमेंट रहा उसका एक रजिस्टर तैयार करो, क्योंकि आने वाले समय में फिर आपको चुनाव लड़ना है। आने वाले समय में जब आप चुनाव लड़ोगे तब इन कमियों को मत करना, निश्चित रूप से आप विजेता बनोगे। और फिर एक बात और, अब मुद्दा ये आता है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि यार ये आदमी अच्छा नहीं था इसलिए चुनाव नहीं जीत पाया। अगर आपकी कोई बुराई करता है तो उस बुराई को नेगेटिवली मत लो, उस पर विचार करो, क्या वाकई ये आदमी सही तो नहीं कह रहा यार,
तो देखो, छोटी मोटी कमियां तो सबके अंदर होती हैं, लेकिन अगर वाकई कोई बड़ी कमियां आपके अंदर हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करो। और कई बार तो बहुत अच्छा आदमी चुनाव हार जाता है, बहुत पढ़ा लिखा, समझदार, हर तरह से सोशली जो व्यक्ति अच्छा है वो भी चुनाव हार जाता है, क्योंकि चुनाव हारने के कई सारे कारण हो सकते हैं। भाई, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप खूब विकास कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चुनाव जीत जाओ। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि जो आप जनता को बताना चाह रहे हो आप ढंग से जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। ये भी तो हो सकता है कि जनता आपकी बात उतना नहीं समझ पाई जितना समझना चाहिए था। ये भी हो सकता है कि आपको चुनाव लड़ने का समय ही कम मिला हो। और ये भी हो सकता है कि अगर आप ग्राम पंचायत स्तर का कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका परिवार बहुत छोटा हो, आपकी काउंटिंग ही बहुत कम वोटों से स्टार्ट हो रही हो, और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो हारने का कोई एक कारण नहीं होता, हमें कारणों को जानना पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव अफवाह फैला रहा है, कोई गलत बोल रहा है और आप अपने रास्ते पर सही हो, तो लेट हिम स्पीक, बोलने दो उसको, उसकी बात पर ध्यान ही मत दो। अब एक और मुद्दा आता है, वो ये आता है कि भाई मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि मेरा तो बहुत सारा पैसा ख़राब हो गया चुनाव के दौरान। भाई, पैसा ख़राब कहाँ हुआ? पैसा लगा तो कम से कम आपने चुनाव तो लड़ा, आपको ये अवसर तो मिला कि आपने चुनाव लड़ा और आपकी एक अलग पहचान बनी। आने वाले चुनाव में आप ऐसी गलतियां ना करें जो गलती अब आपने की, उस चीज़ का अवसर आपको मिला। और भैया, जहां तक पैसे की बात है, अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव में बेचारा एक व्यक्ति अचानक बीमार हो गया और 3-4 लाख रुपये 5-7 दिन के अंदर उसके ऊपर लग गए। तो पैसा तो यार आनी जानी चीज़ है, आता है जाता है, आज गया है कल आ भी जाएगा। तो पैसे के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई दूसरों के लिए बात बनाना तो बहुत आसान है, जब खुद पर गुजरती है, हाँ, खुद आदमी हारता है तब उसको पता लगता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं भी चुनाव लड़ा था और मैं भी हार गया, लेकिन मैं तो दुखी नहीं हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत हारने से है ही नहीं, बल्कि मैं तो भगवान का धन्यवाद अदा करता हूँ, उस हर व्यक्ति का जिसने मुझे वोट दिया उसका धन्यवाद अदा करता हूँ, जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं तो खुश हूँ, खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में 5 साल पॉलिटिकल लाइफ में 5 साल लेट होने से बच गया। मुझे ईश्वर ने इस बार चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो कम से कम मैंने, और मैं चुनाव हार गया, तो कम से कम अब मैंने ये पता कर लिया कि मेरे चुनाव कैंपेन के दौरान कहां कहां गलतियां हुई। अब उन गलतियों को मैंने पहचान लिया है, नोट डाउन कर लिया है, आने वाले 5 साल के बाद जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो इन गलतियों को नहीं करूंगा और निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। तो यार दुखी होने की क्या बात है, हाँ, इसलिए दुखी होना बंद करो, मेरी तरह हारने के बाद खुशियाँ मनाओ, अपनी कमियों को पहचानो कहाँ कमी रही, आने वाले समय में इन कमियों को मत करना, निश्चित रूप से आप विजेता बनोगे। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। और मैं चुनाव क्यों हारा ये मैंने पता कर लिया है, और अगली वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि मेरे चुनाव हारने के कारण क्या रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।